मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अगर आप फिल्म देखने जाते हैं और इंटरवल में समोसे खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। अक्सर लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं और इंटरवल में खाने के लिए समोसे, पॉपकॉर्न ऐसे चीज़ें सिनेमा हॉल के कैंटीन से ख़रीदते हैं और इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। कल्याण के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गई प्रतिभा खरात ने इंटरवल में 90 रुपये के 2 समोसे लिए, मगर जब समोसे को तोड़ा तो आलू के साथ एक काले रंग का कपड़े का टुकड़ा भी निकला, जिसे देखकर प्रतिभा हैरान रह गई। प्रतिभा ने कर्मचारियों के साथ समोसा बेचने वाले को भी बुलाया और उसे कपड़े वाला समोसा खाने के लिए कहने लगी, मगर इस गंदगी वाले समोसे को उसने भी खाने से इनकार कर दिया। आज आम्ही ते SMF-ला आलेलो आहे। आमची मैत्रीण प्रतिमा खरात ही आज सकाळी मूवी बघायला आलेली। मूवीमध्ये भूक लागली सकाळी म्हणून तिने समोसा मागवला, त्यामध्ये हा इतका मोठा कपडा आला। हा इतका छोटा नाही आहे, याला एवढा मोठा ना कुठल्या घाणीतला कपडा हा कोणालाही माहिती नाही, बरोबर। आणि हायजेनिक तो म्हणतात की हो मॅडम आम्ही एवढं असं आलेलं आहे, किंवा ते एवढं सायलेंटली घेतात। मला वाटत नाही की माझी बहीण किंवा माझी मुलगी तिने हे एवढं खावं आणि याच्यात हायजेनिक नसावं। आणि याला समोस्याची किंमत 90 रुपये आहे। आम्ही वारंवार विषय घेत होतो पण नागरिकांचा आम्हाला पूर्ण पाठपुरावा केला नाही, नागरिकांनी आम्हाला सपोर्ट केला नसल्यामुळे आजची ही स्थिती आलेली आहे। उद्या तुमचे पण मुलं हे खातील, यातून काय निष्पन्न होणार आहे नागरिकांनी ठरवावं। आणि हे सुरू राहावं की नाही सुरू राहावं यांचं पुढमल यांनी विचार करावा। आम्ही आज पूर्ण विरोध करतो आहे, तुम्ही पण याला विरोध करावा असं मला वाटतं। प्रतिभा ने इस मामले को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है, मगर इतनी महंगे थिएटर में ऊंचे दामों पर बिकने वाले खाने पीने की चीजों में लापरवाही किस तरह से बरती जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।